मंदसौर मंडी से सोयाबीन की चोरी का मामला सामने आया है। चोर करीब 8 क्विंटल सोयाबीन पर हाथ साफ कर गए। मामला सामने आने के बाद मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मंदसौर मंडी से 8 क्विंटल सोयाबीन की चोरी का मामला सामने आया है। गांव धलपट के किसान बंशी लाल धनोतिया ने बताया कि मंदसौर मंडी से उनकी सोयाबीन गायब हो गई। पीड़ित किसान ने किसान मोर्चा के जिला महामंत्री योगेंद्र सिंह चुंडावत से संपर्क कर उन्हें सारी घटना बताई, जिसके बाद चुंडावत ने तत्काल मंडी प्रशासन से संपर्क किया। मंडी प्रशासन ने मामले में जांच करने की बात कही है। देखिए, शाम के समय मुझे एक कॉल आया। शामगढ़ के निवासी हैं, दलपट गांव के निवासी हैं बंशीलाल जी धनोतिया। ये किसान गुरुवार को अपनी फसल सोयाबीन की फसल लेके आए थे और चूंकि उनको गुरुवार को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाया तो उन्होंने फसल नहीं बेची और ढेर वहीं पर रहने दिया। और सोमवार को जब वो मंडी खुलने पर आए तो उनको उनके ढेर गायब थे। उनका कहना है कि मेरे सोयाबीन के ढेर गायब हो गए हैं। 3 क्विंटल का एक ढेर था, 5 क्विंटल का एक ढेर था, दोनों ही वहाँ पर चोरी हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। इस पर मैं तुरंत वहाँ पहुँच कर मैंने मंडी सचिव महोदय से चर्चा की, उन्होंने संज्ञान लिया है और कैमरे चेक करवाने का काम चल रहा है मंडी प्रशासन द्वारा। मैं सोयाबीन बेचने आया था, यहाँ सोयाबीन लाया था, सोयाबीन बिकिन थी एक दिन, जो दूसरे दिन फिर यहीं पड़ी थी। जब मैं आया यहाँ सोयाबीन गायब हो गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।